जन आधार कार्ड का राशन कार्ड के रूप में उपयोग के संबंध में राशन डीलर द्वारा केवाईसी फॉर्म भरे जाने की प्रक्रिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में आम जन को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है। इस घोषणा की अनुपालना हेतु NFSA राशन कार्ड और जन आधार कार्ड के सदस्यों की मैपिंग का कार्य राशन डीलर द्वारा किया जाना है। इस हेतु राशन डीलर वार चिन्हित NFSA राशन कार्ड धारी परिवारों के जिन सदस्यों की जन आधार कार्ड से मैपिंग नहीं है उनकी मैपिंग की जानी है और जिनका जन आधार नामांकन नहीं है उनका जन आधार नामांकन करवाया जाना है। प्रथम चरण में 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक ये कार्य राज्य के सभी जिलों के चिन्हित 95 क्षेत्रों में किया जाना है। चिन्हित 95 क्षेत्रों में 59 ग्रामीण व 36 शहरी क्षेत्र सम्मिलित हैं। ऐसे परिवारों जिनके राशन कार्ड और जन आधार कार्ड के सदस्यों की मैपिंग की जानी है उनको राज्य स्तर से रजिस्टर्ड मोबाइल पर ऐसा संदेश भेजा जा रहा है। नमस्कार, आपका राशन आपको मिले इसलिए आपके परिवार के सदस्यों की जन आधार कार्ड से मैपिंग की जानी है। जुलाई का राशन लेने आते समय परिवार के सभी सदस्यों की आधार कार्ड की फोटोकॉपी लाएं और राशन डीलर के पास फॉर्म में सूचना सही करवाएं। धन्यवाद। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण। जिस परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों की जन आधार कार्ड से मैपिंग नहीं है या जन आधार नामांकन नहीं है ऐसे परिवार द्वारा राशन की दुकान पर जब राशन लिया जाएगा तब पॉस मशीन पर संबंधित परिवार से केवाईसी के लिए निर्धारित फॉर्म भराए जाने का संकेत केवाईसी रिक्वायर्ड प्राप्त होगा। केवाईसी रिक्वायर्ड का संकेत मिलने पर ऐसे परिवार से राशन डीलर द्वारा केवाईसी फॉर्म में सूचना ली जाएगी। ये छपे हुए केवाईसी फॉर्म ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा राशन डीलर को ईओ या ईआई के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही जन आधार नामांकन प्रपत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे। केवाईसी फॉर्म लेने से पहले राशन डीलर द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो केवाईसी फॉर्म उसे उपलब्ध कराए गए हैं वे उसी के क्षेत्र से संबंधित हैं। केवाईसी फॉर्म में परिवार क्रमांक, राशन कार्ड संख्या, गांव या वार्ड का नाम, FPS कोड, पता अंकित है। इसके अतिरिक्त केवाईसी फॉर्म में कुल 15 कॉलम है। केवाईसी फॉर्म भरने संबंधी जानकारी, परिवार के राशन कार्ड का विवरण, फॉर्म के कॉलम संख्या 1-5 में राशन कार्ड में परिवार के प्रत्येक सदस्य की क्रम संख्या, नाम, लिंग, आयु व आधार संख्या का विवरण दिया गया है। परिवार के जन आधार कार्ड का विवरण फॉर्म के कॉलम संख्या 6-10 में जन आधार कार्ड में परिवार के प्रत्येक सदस्य की क्रम संख्या, जन आधार नामांकन संख्या, नाम, लिंग व आयु का विवरण दिया गया है। उक्त दोनों कार्ड के आधार पर परिवार के प्रत्येक सदस्य का नाम, लिंग व आयु का मिलान किया जाना है एवं संशोधन की आवश्यकता होने पर कॉलम नंबर 2, 3, 4 में सदस्य के नीचे गलती ठीक करें वाली पंक्ति में दर्ज किया जाना है। कॉलम नंबर 5 में राशन कार्ड में सदस्य के सम्मुख दर्ज आधार संख्या को दर्शाया गया है। इस कॉलम के नीचे गलती ठीक करें वाली पंक्ति में सदस्य के सम्मुख आधार संख्या संबंधी फोटोकॉपी से तथ्यों का मिलान कर आधार संख्या को आवश्यक रूप से अंकित किया जाना है। कॉलम नंबर 11 में राशन परिवार के सदस्य की क्रम संख्या का जन आधार परिवार में उसी सदस्य की क्रम संख्या से मैच किया जाना है। यदि सदस्य की क्रम संख्या मैच नहीं है तो कॉलम नंबर 11 के नीचे गलती ठीक करें वाली पंक्ति में कॉलम नंबर 6 में से देखकर सदस्य की सही क्रम संख्या लिखी जानी है। यदि सदस्य की क्रम संख्या मैच है तो कुछ नहीं लिखा जाना है। यदि कॉलम नंबर 11 में राशन कार्ड धारी परिवार के किसी सदस्य के सामने जन आधार परिवार के सदस्य की क्रम संख्या रिक्त है तो निम्न कार्य किए जाने हैं। यदि सदस्य इस जन आधार परिवार में मौजूद है तो उसकी कॉलम नंबर 6 में दर्ज संख्या को कॉलम नंबर 11 में भरा जाना है। यदि सदस्य किसी अन्य जन आधार कार्ड में मौजूद है तो कॉलम नंबर 7-10 में गलती ठीक करें वाली पंक्ति में जन आधार कार्ड के आधार पर सूचना को दर्ज किया जाना है। ये सूचना राशन लेने आने वाले सदस्य से पूछकर एवं संबंधित जन आधार कार्ड की प्रति लेकर जांच उपरांत भरी जानी है। यदि सदस्य का जन आधार नामांकन ही नहीं है
तो ऐसे सदस्यों को जन आधार नामांकन कराने हेतु प्रेरित किया जाएगा और नामांकन प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त कर एकत्रित किए जाएंगे, जिनका ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्रोग्रामर द्वारा निर्धारित संबंधित ई मित्र के माध्यम से निःशुल्क नामांकन कराया जाएगा। साथ ही ऐसे सदस्यों के जन आधार नामांकन उपरांत जन आधार नामांकन की रसीद संख्या के आधार पर कॉलम संख्या 7 से 10 की पूर्ति गलती ठीक करें वाली पंक्ति में सूचना को दर्ज किया जाना है। कॉलम नंबर 12 में यदि सदस्य का जन आधार नामांकन किया जाना है या नहीं किया जाना है तो गलती ठीक करें वाली पंक्ति में हाँ के लिए राइट टिक अथवा नहीं के लिए क्रॉस भरा जाना है। कॉलम नंबर 13 में यदि राशन कार्ड में अंकित किसी सदस्य का मृत्यु, विवाह, पलायन या अन्य किसी कारण से मिलान नहीं हो पा रहा है तो गलती ठीक करें वाली पंक्ति में हाँ के लिए राइट टिक अथवा नहीं के लिए क्रॉस भरा जाना है और राइट टिक होने पर कारण भी लिखा जाना है। कॉलम नंबर 14 में राशन कार्ड के सभी सदस्यों की आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रपत्र के साथ संलग्न की जानी है और गलती ठीक करें वाली पंक्ति में हाँ के लिए राइट टिक अथवा नहीं के लिए क्रॉस भरा जाना है। कॉलम नंबर 15 में किसी सदस्य की अन्य कोई टिप्पणी लिखनी हो तो उस सदस्य की पंक्ति में लिखा जाना है। केवाईसी फॉर्म के अंत में निर्धारित स्थान पर परिवार के सदस्य एवं राशन डीलर द्वारा नाम, मोबाइल नंबर एवं दिनांक अंकित कर हस्ताक्षर किए जाने हैं। राशन डीलर द्वारा पूर्ण रूप से भरे हुए केवाईसी फॉर्म ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी एवं ब्लॉक प्रोग्रामर के प्रतिनिधि को संबंधित ई मित्र को भिजवाने हेतु उपलब्ध कराया जाना है। सभी सूचनाएं ध्यान पूर्वक भरी जानी है जिससे NFSA राशन कार्ड परिवार के सदस्य की जन आधार कार्ड परिवार के सदस्य से सही मैपिंग होकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी लाभ जन आधार कार्ड से दिया जाना सुनिश्चित हो सके।